अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। मैं टिक्का पिज़्ज़ा बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी चिकन ली है बोनलेस। इसको मैंने थोड़ा सा सिरका डाला था 1 टेबलस्पून, और टिक्का मसाला डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। फिर फ्राई पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल गर्म किया, इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। और ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये मैंने बनाई है, वीडियो में देख लीजिएगा। और पिज़्ज़ा की डो ये भी मैंने बना चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा इसको भी। ऑलिव लिया मैंने स्लाइस, ये एक कैन लिया है। थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल डालूंगी। शिमला मिर्च लिए मैंने एक, और इसे ऐसे लंबाई में काट लिया। मोज़रेला चीज जाएगी, और अब मैं फ्राई पैन में भी बनाऊंगी और एक आपको ओवन में ओवन का भी दिखा दूंगी। अब यहां हम पिज्जा की डो को निकाल लेंगे। और इसको बराबर बराबर हिस्सों में काट लेंगे। वो थोड़ा सा बड़ा है, ऐसा बना लें और उसको बेल लें। चाहे तो हाथ से बड़ा कर लें, चाहे तो बेल लें इसको। और अब हम इसमें लगा दें, इसको मैंने पहले से ग्रीस करके रखा था ट्रे को। मैं इसमें डालूंगी सॉस। सॉस फैला दूंगी। सॉस डालने के बाद मैं इस पे मोज़रेला चीज डालूंगी। इसके ऊपर चिकन, ये मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं चीज डाल दूंगी। और इसे ओवन में रख दूंगी। ओवन मैंने प्रीहीट किया हुआ है 350 पे, मैं इसको ओवन में डाल दूंगी। मैंने ओवन में डाल दिया। मैं आपको फ्राई पैन वाला बता देती हूँ। इसको मैंने तेज आंच पे गरम करके बिल्कुल धीमा कर दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगा दिए मैंने, और इसे मुझे इसको एक साइड से पकाना है। हल्का सा कलर आएगा
तो मैं इसको पलट दूंगी। ये देखें अभी हो रहा है, मैं इसको एल्युमिनियम फॉइल के साथ मैं इसको बंद कर देती हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। और यहाँ हमारा पिज्जा ओवन में रखा हुआ है, ये देखिए जी, इसको मैंने देखा है ये हो गया। मैं इसको इसमें मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाऊंगी, ये लगाने के बाद अब सॉस लगाऊंगी इसमें। के बाद इस पे मोजरेला चीज डालूंगी, इस पे अब अपनी मर्जी से सब्जी रख दें। और ऑलिव डाल दें इसके ऊपर। ये देखिए जी, मैंने सब चीजें डाल दी हैं। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और बिल्कुल धीमी आंच पे मैं इसे पकाऊंगी जब तक चीज मेल्ट ना हो जाए और ये पिज्जा की शक्ल ना आ जाए। मैं इस पे थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ये ऑप्शनल है। और अब बंद कर दूंगी और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दूंगी। इसके नीचे मैंने तवा रख दिया है और ये एल्युमिनियम फॉइल लगाना लाजमी है, वरना सारा इसका जो पानी होगा वो पिज्जे पे जाएगा। इसलिए ये लगाएं या फिर कोई कपड़ा कपड़े से कवर कर दें इसको। और यहां मैंने पिज्जा निकाला है, मैं हल्का सा इस पे ब्रश कर दूंगी ऑयल का और फिर इसे दोबारा ओवन में डालूंगी। ये देखिए जी पिज्जा, और अभी फ्राई पैन में जो बना रही हूँ वो भी रेडी हो रहा है। खोल के देखते हैं, ये भी ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए जी, मैंने निकाल लिया है फ्राई पैन वाला भी, देखें। और ये ओवन वाला है, ओवन को मैंने प्रीहीट किया हुआ था 350 पे पहले से 10 मिनट पहले, और इसको बनाने में मुझे 25 से 30 मिनट लगे। ये देखें, ये बहुत सॉफ्ट है और मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया है, इसलिए बच्चों को जरा मोटा पसंद है यहाँ पे। और ये फ्राई पैन वाला है, इसको मैंने धीमी आंच पे बनाया है और इसमें भी मुझे आधा घंटा लगा है, बिल्कुल मैंने धीमी आंच पे बनाया है इसको। चीज मेल्ट हो गई, नीचे से पक गया, तो फिर मैंने इसे निकाल लिया है। ये देखें, और इसका बैक साइड देखें, तो इसको भी मैंने आधे घंटे में बनाया है, इसको भी 25 से 30 मिनट लगे। दोनों पिज्जा मैंने फ्राई पैन वाला और ओवन वाला दोनों सिखा दिया है। और जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, प्लीज अगर आप देखें तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। कुकिंग विद सैर सैयद वेबसाइट भी है, cookingwithsairsaiyad.com। और आप इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।